हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रसन्न हो जाता हूँ माता जी जब मैं कृष्ण भावना भावित आपके चेहरे को देखता हूँ। जब आप बोलती हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम सभी जीव का कर्तव्य है कि अपने मुख से जो भी उच्चारण करें वो भगवान का नाम उच्चारण करें। इससे अपना तो कल्याण होता ही है और जो आसपास में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। और मैं देखता हूँ कि आप बराबर कृष्ण भावना भावित होकर के पूजा पाठ में अग्रसर होती हैं और सिद्धांतों को भगवान के समझती हैं। और मुझे वो दिन मैं भूला नहीं हूँ जब मैं आपके यहाँ प्रसाद लेकर के आया था और आपने मुझे बहुत ही हृदय से स्वागत किया था। हाँ, तो मैं भूला नहीं उस दिन। वो हमारी हार्दिक इच्छा, हमारे यहाँ सबका स्वागत है, ये हमारी यही भावना है। बस बस ये भावना को बनाए हुए रखना है, अतिथि देवो भवा। और साथ ही साथ फिर आपने प्रसाद का महत्व ग्रहण किया, प्रसाद पाया, और कहीं ना कहीं से आपकी ऐसी कृष्ण भावना भावित जागृत हुई कि आपने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि नहीं प्रभु जी, मुझे रामायण चाहिए, और ख़ासकर अगर कुछ नारी में बुक हो तो वो चाहिए क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। तो माता जी, मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये एक मुख्य पॉइंट आपने रखा नारी का, तो जो ग्रंथ आप ले रही हैं और उसका टाइटल है आज की नारी कल की संस्कृति, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज जी ने इसके ऊपर शास्त्रों के निर्देश को दिया है और प्रयास किया है कि पहले की नारी अरब की नारी में बहुत बदलाव है और इसे हमें समझना चाहिए। तो आप किस रूप में देखती हैं और आप जनताओं को किस तरह से नारी के विषय में कुछ बतलाना चाहेंगी, वो आप जरूर संबोधित करें माता जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। मेरा ये कहना है कि नारियां आप कमजोर नहीं हो, आप पगला नहीं हो, आप में नव दुर्गा का अवतार है, इसलिए अपने आप को, इस अवतार को, इस शक्ति को जगाओ और आप हर क्षेत्र में हर काम कर सकते हो, इसलिए अपने को कमजोर ना समझो। अगर आपने ठान लिया तो जैसे माँ दुर्गा ने हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने कार्य में सफल हुए, आप भी हर कार्य में सफल होंगे। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप में नौ देवी का शक्ति है, आप में दया है, श्रद्धा है, ममता है, आप माँ हो, आप अबला नहीं हो, इसलिए कोई भी लड़कियां, और ऐसा कहा गया है कि लड़कों के बनिस्पत लड़कियां में दो ब्रेन होती है, दो मस्तिष्क होते हुए एक साथ दो कार्य कर सकती है, इसलिए आप अपने को कमजोर ना समझो, तो वो आपने समय पे हर रूप ले सकती है। इसलिए नारियां महान है, हमारी बेटियां महान है, इसे कमजोर ना समझो। और मैंने ये बुक लिया है इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है कि अपना विल पावर मजबूत रहे और अपना भी, जैसे कि ये नहीं हीन भावना ना हो, इन्फर्टी कम्प्लेक्स ना हो कि हम मैं लड़की हूं तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। अगर आप डरोगे तो सामने वाला आपको डराएगा। नहीं, अवश्य ही, अवश्य ही। तो अच्छा है आपने ये बुक्स लिया और आप नारी शक्ति को जागृत करना चाहती हैं और उनके गुण को भी बता रही हैं कि क्या क्या गुण हमारे हैं। गायत्री परिवार भी बोलते हैं। तो वो गुण जो आप बता रही हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये गुण खोती जा रही है, इसीलिए बताया जा रहा है आज की नारी कल की संस्कृति। आज की नारी अपने नारीत्व को अगर बरकरार रखती है तो हमारी जो संस्कृति है उसको भी बरकरार रखेगी। तो आज की नारी को ये बुक से प्रेरणा नारी लेने की घर की ज़रूरत है। आधार है, बस ये नारी घर की आधार है। एकदम एकदम। तो बुक से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपके वचनों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और उसे आगे पथ पे बढ़ने की ज़रूरत है। वो अवश्य ही बढ़ेगी और अपने नारीत्व को बरकरार रखेगी, जो सोसाइटी में आज नहीं देखा जा रहा है। मॉडर्न होते जा रही हैं लड़कियाँ और थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दिक्कतों का महसूस हो रही हैं। तो अच्छा है। और ख़ासकर माता जी, आपने रामायण ले रखा है, तो आप इसके पीछे भी हमारे जनताओं को संबोधित करें जिससे कि वो ग्रंथ समझें रामायण को। हमारी हिंदुओं की प्रमुख ग्रंथ है रामायण,
एंड गीता, रामायण और गीता ये हमारी हिंदुओं की प्रमुख ग्रंथ है और ये हर घर में रहने चाहिए। इससे आपका अपनी आत्मशक्ति जगती है कि मैं ईश्वर के साथ हूँ। हरे राम हरे कृष्ण अगर बोल के हम इतना खुश होते हैं तो अगर पढ़ के कितना खुश। बात तो आपने बहुत ही सही कहा है। तो आप खूंटी की जनताओं को क्या बोलना चाहेंगी, दो शब्दों में बताएं कि वो रामायण और भगवद गीता को कैसे ग्रहण करें, कुछ संदेश आपका। ईश्वर आपके साथ है कहने की क्या बात है। चलिए, हमेशा ही ईश्वर आपके इनके आपके साथ रहेंगे, जनता के साथ, और तो जो भी या ना कहते हुए भी ये अपने वचनों से आपको बोल दे रही हैं। मतलब अगर आप ईश्वर उसे साथ में लेके चलते हैं तो आप हर कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे और अपना जो भी कार्य है वो ऊपर वाले पे आप छोड़ दो। आप एक कदम बढ़ोगे तो आप ईश्वर आपके साथ 10 कदम आपके साथ देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने रामायण और आज की नारी कल की संस्कृति ग्रंथ आपने ग्रहण किया। मैं समझ सकता हूँ कि आप अवश्य ही अध्यात्म के मार्ग पे अग्रत होंगी। अगर आप अपने घर में रामायण गीता रखते हैं, जिस तरह में घर में एक मंदिर बनाते हैं उसी तरह आप रामायण गीता को भी अपने पास अवश्य अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रणाम। क्लोज होगा।